1216। मेरा नाम प्रियंका है और हम एसबीआई एटीएम बैंक में हम पैसे डिपॉजिट करवाने गए थे 9,500। और वो जो पैसे थे वो कोई एक बंदा आया, मतलब उसने नकाब पहना हुआ था और वो चोरी करके ले गया जब हमसे छीन आपने के। चार जाने थे, दो लड़के थे, वो विदड्रॉल करा रहे थे और हम डिपॉजिट करवा रहे थे। तो क्या आपको बिल्कुल भी कोई खड़ा आया इस तरह की घटना आपके साथ होने नहीं वाली? नहीं ऐसा कुछ भी नहीं था, वो एकदम से ही आया सडन। उसके पीछे मैं भागा भी था, लेकिन फिर वो बाइक पे एक कोई और इंसान है उसको बिठा के ले गया। जब दो आपने लड़... अंदर थे वो विदड्रॉल करा रहे थे, उनका कोई हाँ, कोई वो दो नहीं है, लड़के वो तो खुद अपना विड्रॉल करवा रहे थे था उनका। फिर आपके जाने के बाद दो लड़के अंदर आए हैं? नहीं, हम वो ऑलरेडी थे, वो विदड्रॉल करवा रहे थे और हम डिपॉजिट के लिए गए थे। तो हम डिपॉजिट करवा रहे थे, वो जो आया था जिसने चोरी करी है उसके नकाब बांधा हुआ था, वो तो 2 मिनट के लिए आया, उसने खींचा एकदम से और वो चला गया। जब आप पीछे आए उसका? हाँ, वो हाँ, बाइक पे आया था, वो बाइक पे आया, वो उसके बाद भी उसके साथ ही था, क्योंकि वो बाइक वाला पीछे आया ही नहीं वापस, वो सीधा ही चला गया। क्या लगता है टोहाना के अंदर, मतलब जहाँ पे पुलिस सेफ नहीं, सेफ नहीं है, क्योंकि अगर मैं जैसे उसके पीछे भागा वो मेरे साथ कुछ भी कर सकता था, क्योंकि उस गली में कोई नहीं था, तो कोई तो सेफ्टी तो बिल्कुल भी नहीं है। किस समय की बात है ये? वो 12 बजे की। उसके पास कोई वेपन होता है? ये पूरी घटना पूरी निंदनीय है। देखिए, हम जब हम सुबह अपने काम से बैंक में जा रहे थे तो मेरी फ्रेंड बोली कि मुझे पैसे सबमिट कराने हैं, तो अंदर से थोड़ा टाइम लगता, तो हमें लगा कि बाहर वाली मशीन से ही हमें करा लिया जाए, हम करा देंगे। तो आफ्टर दैट हुआ ये कि एक जैसे ही हम पैसे गिन रहे थे और मेरे हाथ में थे, तो हम इंसर्ट करने ही वाले थे पैसे, तो एक बंदा आया, उसने पूरा फेस कवर कर रखा था और ऐसे एकदम स्नैच किया उसने, तो मतलब होता है ना ऑन द स्पॉट कुछ भी पता नहीं चला एकदम, तो हाँ इट्स अ ब्लैंक पूरा, वो उसने स्नैच किया और वो एकदम से जैसे ग्रैब करके और वो निकल ही गया, वो हमें पता भी नहीं चला कहाँ गया। तो ये मुझे लगता है कि अगर इस लेवल पे ऐसा हो रहा है तो मुझे लगता है कि टोहाना इज नॉट मच सेफ। नहीं, हमें तो वी थॉट कि बहुत नॉर्मल लोग आते हैं बैंक के अंदर, तो मुझे लगा कि ये भी कुछ पैसे निकलवाने आया होगा या विड्रॉल या डिपॉजिट कुछ भी करवाने आया होगा। कितना अमाउंट था आपके पास? ये था 9,500 रुपए। पुलिस को शिकायत दे दी आपने? हाँ जी, वो हाँ जी। तो क्या कहना था? ये पहले ऐसे मैंने सुना था कि ऐसा होता है, बट ये पहली घटना है कि जो हमारे साथ हुई है और ये बहुत ज़्यादा निंदनीय है। ये बिल्कुल अच्छा नहीं है कि आज के बाद तो कोई भी जाएगा ही नहीं और वो कुछ भी कर नहीं पाएगा ना, तो इससे मन में क्या है, मतलब एज पर मी ये मेरे को ऐसा लगता है कि मेरे मन में तो एक बहुत ज़्यादा खौफ बैठ गया है। ऐसा तो है नहीं कि मतलब आज इसके साथ गई हूँ कल को मेरे को भी काम होता है, हम भी जाते हैं, हम लोग भी जाते हैं, तो ये बिल्कुल भी सेफ नहीं है। बड़े बड़े दावे लड़कियों के बारे में नहीं मैं कुछ कह सकती, उसके बारे में मैं कोई भी स्टेटमेंट नहीं दे सकती, लेकिन जो पैसे हैं आपके मतलब पैसों के लेवल पे कोई सेफ्टी नहीं है। आज एसपी साहब होप सो, मैं चाहती हूँ कि वो कुछ ऐसा कदम उठाएं कि ऐसा ना हो आज के बाद, मतलब आगे और भी लड़कियां, मतलब देखा जाए अकेली लड़की, मतलब हम दो भी थे तो दो भी क्या कर सकते थे, हम एक लेवल पे उनके पीछे भागे हैं। सिक्योरिटी गार्ड नहीं है? सिक्योरिटी सबसे बड़ी बात है कि बैंक में कोई सिक्योरिटी गार्ड नहीं है।